जनाब यूनुस रजवी साहब भारत, अस्सलाम वालेकुम। आपके ममनून है कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया। आपका एक सवाल हमें मौसूल हो, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि क्या चलती ट्रेन और बस में नमाज अदा कर सकते हैं, क्या ये नमाज दोबारा पढ़नी होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ये आपके जहन में रहे कि जिस पर आप नमाज पढ़ रहे हो उसका जमीन पर साकित रहना और जमीन पर कायम रहना जरूरी है। बस या ट्रेन वगैरह जिसमें ये गुंजाइश है कि वो खड़ी करके नमाज पढ़ सकते, मसलन अगर ट्रेन खड़ी है या तो ट्रेन से उतर के पढ़ लें या ट्रेन के ऊपर भी अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाए। बस अगर खड़ी हुई है और बस के अंदर अगर आप नमाज पढ़ें या बस से उतर कर नमाज पढ़ें, नमाज हो जाए। और फर्ज नमाज चलती रेलगाड़ी और चलती ट्रेन में नहीं होगी, इसलिए कि उसको खड़ा किया जा सकता है और ये मुमकिन है और महाल नहीं। ये तो इन सवारियों का। अच्छा, इसी तरीके से पानी का जहाज यानी कश्ती वगैरह, चूंकि वो पानी पर है, अगर वो कश्ती या शिप अगर समंदर के किनारे खड़ा हुआ तब तो आप समंदर से उतरकर जमीन पर नमाज पढ़ें, और अगर सफर की हालत में आप हैं तो जाहिर है कि वो अगर सफीना या वो शिप अगर रुका भी तब भी पानी ही पर खड़ा होगा। इसलिए अब कश्ती पर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं और नमाज हो जाए। इसलिए उसको अगर आप रुकवाएं भी तब भी वो पानी ही के ऊपर खड़ा हुआ, तो इसलिए चलती ट्रेन और बस में तो नमाज जायज नहीं, अलबत्ता शिप में और कश्ती में चलती हुई में नमाज जो है वो जायज है। इसी तरीके से हवाई जहाज में भी, चलती हवाई जहाज में नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज को रोककर नीचे नहीं उतरा जा सकता, इसलिए उस पर नमाज जायज। हवाई जहाज और कश्ती वगैरह पर जब नमाजें पढ़ी जाएं तो हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा कि उन नमाजों का इआदा नहीं करना होगा। अलबत्ता रेल या बस में आपने नमाज पढ़ी तो अपने असल ठिकाने पर पहुंचकर आपको उन नमाजों का इआदा करना होगा जो फर्ज नमाजें आपने चलती हुई रेल या सवारी